the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक घंटे 22 मिनट लंबे बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को सिर्फ 2 मिनट 17 सेकंड का वक्त दिया, लेकिन राज्य के खजाने को इतना मिल गया जिसकी उम्मीद शायद ही मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को कभी होगी। Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged. आंध्र प्रदेश को सिर्फ 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज ही नहीं मिला, आने वाले वर्षों में एडिशनल मदद जारी रखने का भरोसा भी मिल गया। तेलुगु देशम पार्टी की खुशी छिपाए नहीं छिप रही। कितने संतुष्ट हैं आप लोग? और बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुशी के बात है कि आंध्रा की बात हुई है बजट में। बजट में इतना बढ़ावा आंध्रा के लिए दिया है, और ये सब ऐसा नहीं है कि राजनीतिक तौर पर हम देखें, हमारे लिए बहुत जरूरी था। आंध्रा की बात थी, नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और उसके ऊपर उन्होंने इतना अच्छा प्रावधान बजट के रूप में किया, तो मैं स्पेशल थैंक्स आंध्रा के 5 करोड़ लोगों के तहत नरेंद्र मोदी जी को करना चाहता हूँ। अपने 16 सांसदों के साथ मोदी सरकार में शामिल चंद्रबाबू नायडू समय समय पर आंध्र प्रदेश की वित्तीय चुनौतियों का जिक्र करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 दिन पहले दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई बैठक में भी नायडू ने यही मुद्दा उठाया था। जवाब में केंद्र ने न सिर्फ खजाना खोला बल्कि एक्सटेंशन का भी वादा कर दिया। ये अलग बात है कि विपक्ष नाराज दिखाई दे रहा है। निराशाजनक, और इसे मैंने कहा कि बैसाखी बजट, मैंने वर्ड मैंने यूज किया बैसाखी के बजट, क्योंकि ये बिहार और ये नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू से कुछ बचे तब देश के 150 करोड़ जनता के बारे में वो सोचे। एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है, और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, ये ऐतिहासिक है। विपक्ष का ऐतराज और सरकार का जवाब अपनी जगह है। सवाल आंध्र प्रदेश के लिए स्टेटस वाली उस डिमांड का है जो चंद्रबाबू नायडू लंबे समय से करते रहे हैं। स्टेटस की मांग अभी भी रही है, तो स्पेशल भी जो प्रावधान किए गए इसी में से बहुत सारे हमारे जो प्रश्नों का समाधान आज मिल गया है, तो आगे आगे जैसे चलेंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पर आज 5 करोड़ लोग, ये टीडीपी की बात नहीं है, 5 करोड़ आंध्र के जो लोग हैं सब संतुष्ट हैं, सब खुशी हैं कि जिस तरह से बजट में हमारे लिए प्रावधान। तेलुगुदेशम पार्टी को हुई संतुष्टि के पीछे सिर्फ 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज नहीं है, सौगातों की वो बरसात भी है जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किया है। केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में पुनर्निर्माण एक्ट के तहत अतिरिक्त मदद देगी। इसके साथ ही पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता, पानी, बिजली, रेलवे और रोड सिस्टम दुरुस्त करने के लिए आर्थिक मदद, रायल सीमा, प्रकाशम और कोस्टल आंध्र के विकास के लिए मदद, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए फंड और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए धन भी दिया जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में केंद्र सरकार इन पर करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब 35,000 करोड़ में अगर 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज भी जोड़ दिया जाए तो 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री ने करीब 50,000 करोड़ रुपए का सीधा लाभ आंध्र की झोली में डाल दिया।